लाइट है, इसमें कुछ वायलेंस नहीं है, कुछ भी मतलब फैशन इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड है, लेकिन आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि एक घरेलू पिक्चर ही है और अच्छी दोस्ती यारी अच्छी दिखाई है सब ने, अच्छी ट्यूनिंग दिखाई है, जितनी भी मॉडल्स हैं उतने भी इसमें कैरेक्टर्स ने काम किया है। मुझे लगता है सबको जाके देखनी चाहिए एक बार इधर पिक्चर और सपोर्ट करना चाहिए फिल्म मेकर्स को, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को। सबसे पहले मैं आज जो पूरी कंट्री में बहुत बड़ा रिजल्ट आया उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैंने जिस लड़के को इस फिल्म इंडस्ट्री में लाया रवि किशन, मेरी पहली फिल्म की किताब पर आज मैंने न्यूज़ भी दिया है कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट रवि किशन। सेकेंड चीज़ अब ये है कि क्योंकि जब हमने स्टोरी सेलेक्ट की थी तो कुछ सोचा कि रन ऑफ द बिल से कुछ सेपरेट स्टोरी लेके आए, तो हमने फिर कुछ फिल्म से हमने फिर इंस्पिरेशन भी लिया जो काफ़ी सक्सेसफुल रही है इसी इशू बेस्ड फिल्म, और फिर हमने ये स्टोरी सेलेक्ट की। उसके बाद हमने फिर आइडियल एक्टर जो है जो इसमें सपोर्ट करें इस रोल को जो है जस्टिफाई करें, तो उसके लिए हमने रणवीर शौरी को चूज़ किया क्योंकि हैज़ डन दिस काइंड ऑफ फिल्म्स इन द पास्ट ऑल्सो एंड इज डूइंग ऑल्सो नाउ, एंड ही हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब। पूरी फिल्म जितनी भी ग्लैमर रिलेटेड इंडस्ट्रीज है, चाहे फिल्म्स हो चाहे एड्स हो, उसमें सबसे ज़्यादा जो जो चीज़ दिखाई देती है वो जो फिज़िकल फॉर्म दिखाई देता है वो है कपड़ों का, कपड़े मतलब फिर कपड़े हो गए, मेकअप हो गया, फैशन से रिलेटेड हो जाता है ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और आज की तारीख में वॉट एवर यू वॉन्ट टू सेल यू हैव टू सेल थ्रू फैशन ओनली। तो हमने ये जो स्टोरी एक यूनिक स्टोरी ली थी उसको हमने उसका बैकड्रॉप जो है फैशन का रखा और उसमें आपके सामने हमने रिजल्ट। फिल्म इमरान जी की अच्छी बनाई है एंड ऑल द एक्टर्स हैव डन अ फैबुलस जॉब। सॉन्ग्स आर गुड, फिल्म रात के यूथ की है और यूथ को अच्छी लगी। इंस्पायर ये यूथ की पिक्चर है, ही केम विद अ सब्जेक्ट कि भाई ये है, आई एग्री टू कि भाई ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन में ट्राई करें कि डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, और फिल्म बहुत अच्छी बनी है, सॉन्ग बहुत अच्छे हैं और सब ने काम भी बहुत अच्छा किया है। सो देखिए रणवीर शौरी की मैंने कई फिल्में देखी हुई हैं, वो एक्टर तो बहुत अच्छा है ही है, और बेसिकली इस फिल्म में मुझे अच्छी क्या बात लगी, फैशन से रिलेटेड एक हर आदमी स्टार नहीं होता, उसको कितना स्ट्रगल करना पड़ा है और नसीब की जरूरी होता है, नसीब का साथ तो होना ही चाहिए, बाकी उसके अपनी मेहनत लगन और तो साथ में सब आ ही जाता है। एक अकेला चला था कारवां लेकर, लोग जुड़ते गए, कारवां बंदा चला गया, वही चीज़ इस फिल्म में दिखाई गई। फिल्म अच्छी है, एक पारिवारिक मनोरंजन है, थोड़ा सा इसमें ज़्यादा वो कॉमिक और एक्शन वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी फिल्म एक मैसेज देती है कि डू व्हाट यू वांट टू डू बट डू इट विद अ फुल कन्विंसिंग थॉट, सक्सेस जरूर मिलेगा।